हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है डॉक्टर हरिकिशोर कुणाल और मैं लेकर के आया हूँ ओशियानो डेंटिस्ट, जिसमें कि हम आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करेंगे और कुछ आपके क्वेश्चंस लेकर के उसका आंसर करेंगे। तो आप लोग का एक आज व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आया कि सर, क्या दांत निकलवाने के बाद हम ब्रश कर सकते हैं क्या? तो इसका आंसर है जी, बिल्कुल आप कर सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग के 2 दिन तक आप ब्रश बिल्कुल ना करें। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टार्टिंग के 2 दिन है, जब आपने दांत निकलवाया है, उस 2 दिन तक आप ब्रश बिल्कुल ना करें। ठीक, इसके साथ एक दो पॉइंट और बता देता हूँ कि जब आप दांत निकलवाते हो तो उस जगह बनता है क्लॉट, और आप जैसे ही ब्रश करोगे क्लॉट वगैरह फट जाएगा, और क्लॉट फटेगा तो आपको बहुत ज़्यादा आगे सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इसलिए प्लीज़ आप लोग ब्रश के ना करें। ठीक है, जैसे ही दांत निकलता है आप जोर से थूके नहीं, कोई स्मोकिंग ना करें, कुछ सिगरेट ना पिए, ये सब चीज़ें बिल्कुल ना करें। बाकी क्या नहीं करना है, दांत निकलवाने के बाद क्या क्या प्रिकॉशन रखनी है, इसके ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, जो कि आपको आई बटन में दिख रहा होगा, वहाँ से आप पूरा देख सकते हैं। मेनली जो आपका क्वेश्चन था कि ब्रश कर सकते हैं या नहीं, तो बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन के अंदर में क्लॉट बस्ट हो जाएगा, और क्लॉट बस्ट हो गया तो सीवियर कॉम्प्लिकेशन, एक ड्राई सॉकेट होता है उसके ऊपर भी वीडियो है, वो बनने का चांस है। ठीक है, उसके बाद है कि आप जब ब्रश करें तो उसका एक प्रॉपर टेक्निक होता है। अगले 24 से 48 घंटे के बाद जब आप ब्रश करेंगे तो आप कैसे करेंगे, देखिए सफाई करने का तरीका है। आप हल्का सा गुनगुना पानी लेंगे, उसमें हल्का सा नमक डालेंगे और गरारे करके हल्का सा धीरे से स्पीड करेंगे, जोर से उसको भी स्पीड नहीं करना है। स्टार्टिंग के 4-5 दिनों तक अगर आप ये चीज़ें कर लेते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही आपके घाव भरने में आपको आसानी मिल जाएगी, आपको आसानी तरीके से आपका घाव भर जाएगा, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो कि आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी दांत निकलवाने के बाद आपको क्या करना है, ये मैंने अपने पूरे फुल डिटेल वीडियो बना रखा है, उसमें आप हमें देख सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरह के ऐसे कंटेंट के लिए आप हमें ओशियानो डेंटिस्ट्री चैनल जो हमारे यूट्यूब पे है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और दूसरा हमारे चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक यू।